इमरान भाऊ। हाँ नेताजी। पोजीशन तो आपकी एकदम ठीक ठाक दिखाते हैं हम। हाँ नेताजी, जौने हिसाब से पोजीशन चलत है, माहौल एकदम चकाचक जीता हूँ नेताजी। पूरे 2000 वोट से जीती थे। हाँ लेकिन एक बात है दोस्त, यहाँ तक कुल ठीक है। हाँ नेताजी, वोट मांगन ठीक है, लेकिन मंच पर हम जिंदगी में यहाँ कब्बो भाषण आए दियन। हाँ नेताजी, आज हम भाषण दिए है, कैसे दिए हम। अरे नेताजी तू टेंशन ना लियो, हम समारोह ओकरे बाद फिर शुरू हुए आप। अच्छा। हाँ हाँ, जवन भी गलत रही कोनो बात। हाँ। तो तुरंत हमें समझाई दिया करो, बताई दिया करो। तुरंत ही बताई नेताजी। हाँ। लेकिन चाहे जवन हुए। हाँ नेताजी, हमार चुनाव निशान बहुत बढ़िया मिला है कटहर। हाँ। अब की जितना नगर में प्रत्याशी है सबका अपान खवाई कटहर। हाँ नेताजी। हाँ। और कुआवा नहीं खवावे खाए, कच्चा ही खवायो एकदम कच्चा। हाँ अरे कटहर ऐसा जात है, चाहे कच्चे खाओ चाहे पक्के। हाँ। और करे बात बहाई जो 2-4 दिन बाद बिहो उठा खा लियो ऐसा चीज है। हाँ भूज के। हाँ सब पाया है का नायरा। हाँ। और मुरई और का है रे सियाब और हायत। अब भाई देखियो हमारे भाषण गांव में यहाँ एक आदमी। हाँ। छूटे के नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं, सब तक अपन चुनाव चिन्ह पहुँचे चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव चिन्ह निशान नायरा सूट है हमार, भुलायो ना, बटवा दे तू चचा। हम एक बाजी हम जिताओ, बहुत जितायो, दुई बाजी बनायो ना चेयरमैन, आज तक कोनो काम नहीं की। जिंदाबाद जिंदाबाद। चाचा चुनाव चिन्ह सेव है चाचा, चुनाव चिन्ह सेव है, निर्माण समाज पार्टी है हमार, ख्याल रखा जाए चाचा, ठीक है। क्यों ना है मैदान में हमारे अलावा देखा जाए भैया, ठीक है। सेव निशान है इंदर भैया, भैया हमें इंदर भैया। चुनाव निशान सेव है चाचा, सेव है चाचा, ध्यान रखियो भैया। दादी जिताओ आपकी। हमारा नेता कैसा है? बाबू भैया कैसा है? हमारा नेता कैसा है? बाबू भैया कैसा है? बार बार यतन के। अस्सलाम वालेकुम चाचा, चाचा चुनाव निशान कैप है, ध्यान रखा जाए। जय सलाम वालेकुम, ध्यान दिया जाए, कैपो है चुनाव निशान चाचा। हाँ भैया ध्यान रखियो, तो बहकाव में ना आयो। हाँ चलो चलो चलो, हरियर दखात है। हाँ पूरा ये नगर हमारे है बप्पा। हाँ बच्चा आशीर्वाद दियो, और जौने मेर तुहरे रंग एकदम हरियर करिया हो वैसे हरियर करे रहो। भैया सब्जी वाले, बहुत अपने जिंदगी में तू कटहर बेचे रहे हो, अब की तू कटहर के बदला चुकाओ, कटहर पर मोहर लगाए को का जिताओ, तुरंत विजय बनाए दो। हाँ भैया तुहार गरीबता कटहर दूर करी सी, तो कटहरे के बारे में कुछ भला करो। हाँ भैया हमारे नेता जी का नेता जी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हमारे विधायक जी अभी पहुँच चुके हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद विधायक जी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे बेटा देख रहे हो आराम से, विधायक जी आवाज़ है, विधायक आप अभी आप लोग के बीच में आ चुके हैं, और हमारे विधायक जी का काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे, और देखिए हमारे विधायक जी आप लोग के बीच में आ चुके हैं, और अभी थोड़ी ही देर में हमारे विधायक जी कुछ अपने 2-4 बातें आप लोग से रखेंगे। कुट्टे नेता, हमारे नेता जी व्यवस्था करावा है यार, जो कि आपके बीच में 2 शब्द रखेंगे, आप लोग से गुजारिश है आप लोग उनके बात ध्यान दें। भैया कुत्ते नेता, कुत्ते नेता, कुत्ते नेता, कुत्ते नेता, लो नेता जी 2 शब्द हमारे जनता जनार्दन के बीच आप रखें। कुत्ते नेता, कुत्ते नेता, कुत्ते नेता। हाय नेताजी, बिल्कुल काव कह गए रे, कुत्ते कहे कि कुत्ते कहे है? कुत्ते कहे नेताजी, कुत्ते कहे। हाँ हाँ हाँ, तो कुत्ते याद रखो। और हम उस तनिक भर कोनो चीज गड़बड़ हुई बताओ हम। हाँ। तो तुरंत रोक के बतायो हम, ठीक है नेताजी। हाँ। तो नगर पंचायत मुतेरा के सभी सम्मानित गण, सभी को एक बार मैं फिर से स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के बीच मैंने इस बार अपने पार्टी के उम्मीदवार मुड़फुट्टे को
इस बार मैदान में उतारा है। मुझे आशा है कि इस बार आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहेंगे हमारे कैंडिडेट के साथ। और आप लोगों के मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, जो कि ये फिजाओं में और वादियों में जो अफवाहों की तरह फैल रही है, सुनने में आया है कि मैं पैसे लेकर टिकट देता हूं। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं ऐसा हूं या नहीं हूं? क्या लगता है आप लोगों को? अगर ऐसी बात है तो काफी सारे लोग पैसा ले लेकर आए थे, लेकिन यहां पर हमारे खास सलाहकार है जिनके सर्वे पे ही मैंने टिकट दिया है। आप लोगों को अगर ये लगता है कि मैंने सही इंसान को टिकट दिया है तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें और आने वाले 10 तारीख को जाकर मोली वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर मोर फुट्टे को भारी मतों से विजयी बनाए। दोस्तों, चुनावी माहौल चल रहा है, भात भात के लोग आएंगे और आपको वरगलाने की कोशिश करेंगे, वो आपको भ्रमित करेंगे और बताएंगे कि वो इस मैदान में जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है, दशा कुछ और है, दिशा कुछ और है। आप देख ही रहे होंगे सत्यानाश पार्टी से एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में आ चुका है, पैसे के दम पर टिकट लाया है, और अगर उसकी बात की जाए तो उसे ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है, उसे पता नहीं है कि कुर्ते पैजामे में कौन सी बनियान पहननी चाहिए, रंग बिरंगी बनियान पहनकर घूमता है और अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहता है। तबाही से हमें तमीज सिखा रहे थे कि जैसे देखिए हमारे बंडी और कुर्ते पे जा रहे थे, वो कह रहे थे आपको तमीज नहीं है कुर्ता और बंडी पहनने का, हम कलर कुछ और पहने हैं और कुर्ता कुछ और पहने हैं, मगर उनके बारे में आप लोग देखिए उनके कुर्ते पे ध्यान दीजिए, क्योंकि उनको चूना काटते समय उनका लार नहीं समझा जाता, थूक नहीं समझा जाता है, पान खाते हैं तो कुर्ते पे थूक देते हैं, वो हमें क्या तमीज सिखाने वाले हैं? अगर आपकी बार अगर हम कुर्ते नेता पैसा हो जाने से कोई भी इंसान इस समाज का हिस्सा हो सकता है, लेकिन राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। जिसे सलीका नहीं है कपड़े पहनने की, वो हमारे खिलाफ आज चुनाव में हमी से आंखों से आंखें मिलाकर बात करता है। विधायक जी, जो हमारे साथ में जो बर्ताव हुआ था पहले से आपको पता है, वो चीज के बता दीजिए। हाँ, और यहाँ पे इसी गांव में हमारे भी कैंडिडेट के ऊपर सुनने में आया है कि तबाही की तरफ से दो चार लोगों ने इस पे अंडों की बारिश की है। कहाँ तक ये चीज सही है कि एक गांव में जब एक कैंडिडेट के ऊपर ऐसा हो सकता है तो आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि आप एक आम आदमी हैं, आपके साथ क्या हो सकता है? एक इल्जाम मुरभुट्टे अपने मंच के माध्यम से लगाता है कि हमने उसके ऊपर अंडा फेंकवाने का काम किया, इतना तुच्छ और नीच स्तर का काम मैं नहीं करता हूँ। हाँ, अगर वो कहता कि मेरा हाथ पैर तुड़वाया है तो मैं मान सकता था कि ये काम मेरा हो सकता है या मेरे लोगों का काम हो सकता है, मेरे लोगों जो मेरे लोग है वो अंडे नहीं वो पत्थरों से मारेंगे उसे, ऐसा हरकत वो कर सकते हैं, ये बात मैं कहता हूँ। लेकिन मुरभुट्टे हो या कुत्ते हो, सॉरी कुत्ते, ये दोनों हमारे बराबरी में नहीं है और ना इनकी औकात है कि चुनाव लड़ पाए। दरअसल सभासद मेंबर जो लड़ने के काबिल है उन्हें गलती से किसी ने एडवाइस दे दिया कि आप नगर पंचायत चुनाव लड़ जाइए, हालांकि वो सभासद ही हर लड़ते तो उसमें भी हार जाते। मेन चीज लड़ाई में सीधा सीधा मैं कहता हूँ, मेरी दो लोगों से लड़ाई है, एक हिमंदर से लड़ाई है जो एक पार्टी बेस पर टिकट लेकर आया है, और उससे लड़ाई इसलिए है क्योंकि उसके पार्टी का एक अपना मत है 5500 जो पोल होता है, उसी सिलसिले में हमारी उससे लड़ाई है। मेरी लड़ाई ना ही मुरभुट्टे से है और ना ही कुत्ते से है और मौजूदा चेयरमैन बप्पू भाई से भी नहीं है, अगर मेरी लड़ाई है भ्रष्टाचार से है और करप्शन से है। ठीक है, हिमेंद्र भैया, आप लोगों का प्यार हमारे साथ रहा तो मैं ये वादा रहता हूँ, आपसे गारंटी लेता हूँ कि मैं अगर जीत गया तो आप लोगों के
समाज में, सब लोग पूरे समाज में विकास का काम करूंगा और मेरी पार्टी हमेशा विकास का काम करते हुए आई है और आगे करते रहेंगे। हिमेंद्र भैया, हिमेंद्र भैया, हिमेंद्र, हमारी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। हमारा चुनाव निशान शायद आप लोग जानते होंगे और जानते भी होंगे। गली गली में, कूचे कूचे में जाएंगे तो आपको बैनर लगा मिलेगा, वहाँ पे मेरा चुनाव निशान है, सेब निशान है, सेब निशान, सब लोग जानते होंगे। सेब निशान पे मोहर लगा के भारी मतों से विजयी बनाए। हिमेंद्र भैया, हिमेंद्र भैया, हिमेंद्र भैया, उन नेताओं में से नहीं हूँ जो घर पे घर घर जाके चुनाव के समय वोट मांगते हैं और जीत जाने के बाद एक बार अपना शकल नहीं दिखाने आते हैं और वोटर हमेशा परेशान रहते हैं कि अगर नेताजी आ जाते तो हम अपने उनका दुख सुना देते। दुख सुनाने की बात क्या है, उनका दर्शन तक नहीं मिलता है। मैं तो जाऊंगा, हर घर जाऊंगा, जीतने के बाद भी जाऊंगा, सबसे दुख तकलीफ पूछूंगा, हमारी माताएं बहने वृद्धा पेंशन दिलाऊंगा सबको, रोड का काम करूंगा, लाइट का काम करूंगा, घर टैक्स जो लगता है, होम टैक्स लगता है, सबको फ्री कराऊंगा। ये मेरा वादा है और हर गांव में पानी की व्यवस्था होगी, लाइट की व्यवस्था होगी, हर चीज का व्यवस्था होगा। हिमेंद्र भैया जिंदाबाद, हिमेंद्र भैया जिंदाबाद। अपने वाणी को विराम देता हूँ, मुझे और कहीं भी जाना है, मंच लगा हुआ है वहाँ का भी, वहाँ भी भाषण देना है। आप लोगों से विदाई चाहता हूँ, हमारे चुनाव निशान को मत भूलिएगा, मेरा चुनाव निशान सेब है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हिमेंद्र भैया जिंदाबाद। ये दूसरी लड़ाई में एक बंदा और है, लेकिन वो लड़ाई में नहीं है क्योंकि वो 10 साल का भ्रष्टाचारी रह चुका है, करप्शन किया उसने, लोगों के साथ छल और कपट की राजनीति की है, लोगों को गुमराह करने की राजनीति की है, उसने जात और धर्म की राजनीति की है, उसने लोगों में लड़वाने का काम किया है, उसने एक दूसरे में नफरत फैलाने का काम किया है, इंसानियत को तोड़ने का काम किया है, अमन को बर्बाद करने का काम किया है, उसने कमीशन खोरी की है, उसने दलाली की है, उसने लोगों को बंद करवाने का काम किया, लोगों पर फर्जी मुकदमा लगवाने का काम किया। ऐसे लोगों को अगर आप दोबारा नगर में भेजते हैं और ऐसे लोग अगर नगर में आएंगे तो वो आपका विनाश करेंगे, सत्यानाश करेंगे, लेकिन वो आपका भला नहीं कर सकते। और कुछ लोग कहते हैं, आके बोलते हैं कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ। आप लोग जानते ही हैं 10 साल पहले यहाँ पे क्या था नगर में भी? अगर रोड पे चलने लायक रोड नहीं था, बारिश के टाइम पे माँ और बहन बाहर नहीं निकल सकते थे, पूरा पानी, नाली, रोड आज सब दिख रहा है, वो किसकी देन है? जो भी हमसे हो सका हम किए। आने वाले समय में आप लोग एक बार और मौका दीजिए, जो भी हमारे लायक रहेगा वो कोशिश करके पूरा काम करेंगे और हम विकास किए हैं, हमने कभी जात पात की राजनीति नहीं की है, जो भी किया है खाली विकास पे ध्यान दिए हैं। और कुछ लोग आए हैं तो समझ लो किराए के टट्टू के जैसे हैं, कभी हवा के तरह बदलते हैं भाइयों, कभी इनके तरफ कभी उनके तरफ, हाँ खाली वोट कटुए हैं ये, अब इनका कोई गिनती नहीं है, जो भी लड़ेगा हमसे लड़ेगा, और लड़ने वाला है कोई नहीं, कोई चेहरा दिख रहा है? जितने भी लड़ने वाले आए सब नगर के बाहर के लोग हैं, उनके साथ में घूमने वाले, नगर का कोई एक भी बंदा दिखे तो बताइए, कोई देखा है, किसी ने देखा है नगर का नहीं, कोई आदमी घूमते नहीं देखे, खाली मिली बहका रहे हैं आपको, और उनके चक्कर में आना नहीं भाइयों। बब्बू भैया जिंदाबाद, बब्बू भैया जिंदाबाद, बब्बू भैया जिंदाबाद। आने वाले 10 तारीख को कैप के चुनाव निशान पर मोहर लगा के अब भारी मतों से विजयी बनाए। इस बार हैट्रिक जीत है भाइयों, लड़ाई में कोई है नहीं। इसी के साथ समय कम है, प्रशासन ने हमें बहुत कम समय का अनुमति दिया था, इसलिए अपनी बात को खत्म करते हैं। और आप लोग जानते ही हैं कौन किस लायक है, उसी हिसाब से चलना मेरे भाई, और सब मेरे साथ हैं, कोई इधर उधर गया नहीं है, सब जानते हैं कौन कैसा है, कैसा काम किया है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। तो भैया, अरे इतना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, मोतिहारी में रहेगा तो बब्बू भैया का प्यार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।
मैं आपसे इतना ही विनती और गुजारिश करने आया हूं कि हमारा चुनाव चिन्ह नायरा सूट है उस पर मोहर लगाइए। लेकिन एक बात और मैं कहता हूं दोस्तों, अभी मंच के माध्यम से लोग चल ही रहे हैं, पता चला कि कल कि जो गांव में जो नए गांव जुड़े हैं वहां एक विधायक जी गए थे, वो वोट मांग रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि हमने प्रत्याशी को भेजा है मुरभुट्टे को, आप इसे चुनाव चिन्ह उसे जिताइए। जो विधायक जी का सीट खुद खतरे में था उसे बचाने का काम मैंने किया, उत्तरी से उन्हें जिताने का काम मैंने किया। वो पूर्व विधायक लिखते मौजूदा विधायक का उनको लकब नहीं मिल सकता, वो लकब दिलाने का उसको हमने काम किया। वो विधायक ने हमारे साथ गद्दारी की और उसके साथ कुछ चुनिंदा किस्म के दलाल रहते हैं जिन्होंने दलाली की और जिन्होंने उसको भटकाया, क्योंकि वो विधायक नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का जीवन खराब हो, क्योंकि वो नहीं चाहता मेरा भविष्य खराब हो, वो नहीं चाहता कि मैं अगर जीतूंगा तो मैं आगे की लड़ाई लड़ूंगा। वो ऐसे लोगों को अपनी राजनीति में सक्रिय बनाना चाहता है, ऐसे लोगों को राजनीति में लाना चाहता है जो उसके तलवे चाहते हैं, जो उसके पैर दबाए, जो वो थूके तो चाहते और हाँ में हाँ मिलाए। तो ऐसा मैं नहीं हूँ, मैंने क्योंकि मेरा नाम तबाही है, मैंने कभी भी अपने आत्मसम्मान से सौदा नहीं किया है, कभी मैं किसी के सामने झुका नहीं हूँ। और मैं आपसे विनती और अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे चुनाव नारा सूट पर मोहर लगा कर हमको भारी मतों से विजयी बनाए। साथियों एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं जीतता हूं तो ये हाउस टैक्स जो समस्या है ये खत्म हो जाएगी पूर्ण रूप से, और ये क्षमता सिर्फ मेरे अंदर है, बाकी किसी के अंदर नहीं। सब करे और दबे हुए लोग हैं और ये दबे दबे और दबे हुए लोग और मैं आपके आत्मसम्मान के साथ किसी को समझौता करने का मौका नहीं दूंगा। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नजर वालों को उजड़ी हुई मालूम होती है, ये किसने कर दिया हम सब दोस्तों को बेगाना, मुझे दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। मरोना अफसरों का हमको वसत से मिलते हैं, उन्हें दिल लगी मालूम होती है। हिम्मत करे तो फिर क्या नहीं इंसान के बस में, यह कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, हमारा अपना इंसान है नारा सूट, जरूर जरूर उस पे वोट दें, बिल्कुल भूले नहीं। जय हिंद जय भारत। काम किया है नाम करेंगे और इस क्षेत्र को बेच के बदनाम करेंगे। अरे नेताजी गलत हो गया, क्षेत्र का बेच के बदनाम करबो गलत हो गया। हाँ दोस्तों ये मेरा नहीं कहना है, ये मेरे विपक्ष का कहना है और उनका कहना है जो तबाही, जो अपने आप को तबाही बताता है, जिसका नायरा सूट चुनाव निशान है, जो आपकी ईद में आपको पता है आपके माँ बहनों को लूट कर जेब अपना भर लिया है, वो नायरा सूट को आप जिताना चाहते हैं, जो आपके माँ बहने का जेब खाली कर दिया है, आप लोग उसे हटाइए। और उसके बाद आप मूली जानते हैं, मूली चुनाव निशान करके घूम रहा है, जिसका चुनाव निशान मूली है। अगर मूली का आपको बुराई मालूम नहीं है तो हमसे जान लीजिए, वो मूली अगर आप खा के रात को बिस्तर में जाते हैं तो आपका परिवार भाग जाएगा, आपका परिवार बिछड़ जाएगा, तो आप ऐसे चीजों से बच के रहिए। और एक हमारे बीच में घूम रहा है जिसका चुनाव निशान सेब है, सेब जो आपकी रोजे में 200 रुपए किलो बिकता है, वो सेब आप बताइए उस सेब का कीमत क्या होना चाहिए, 50 रुपया होना चाहिए, लेकिन वो रोजे के मौके पर वो 200 रुपए में बिक रहा है। और ऐसे लोगों को आप जिताना चाहते हैं कि उनका जेब भरे, ऐसे लोगों को तो नगर से निकाल देना चाहिए बाहर। और एक तो और घूम रहा है, क्या उसका चुनाव निशान है बता जरा, हाइट हाइट कैप 10 साल से रहे कैप, इतना तेज हवा चल रहा है वो तो वैसे ही गायब है, उसका कोई नाम निशान नहीं है। अरे नेताजी हाइट का तो हम लगाया है। तुम लगाया हो? हाँ। तो हवाइये मुड़ा नहीं रे, झूठ कही था, इतना तेज हवा चलत है उड़ी नहीं रे है, वो तो वैसे गायब है। अब तही आंकड़ा लगाया है कि 2000 वोट से हम जीते थे। हाँ, तब का है। और एक कौन है, एक कौन घूम रहा है, उसका क्या चुनाव निशान है बताए जरा। वो कर जमानत जब थे का बताए, जमानत जब थे जाई दो भैया, सबका बहाई दो, सब पार हैं, अब हम ही बियारा पार हैं। कुट्टे नेता जिंदाबाद, कुट्टे नेता जिंदाबाद। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जितने भी प्रत्याशी हैं आपको खाली लूट के खाने वाले हैं, आपके जेब से पैसा निकालने वाले हैं। मैं वादा करता हूँ चेयरमैन बनने के बाद इस क्षेत्र में जितना गरीब घर है सबको मैं एक एक फार्म बना के दूंगा, मुर्गी का फार्म। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग जो लड़ रहे हैं हमारे सामने के प्रत्याशी, वो एक मुर्गी का फार्म नहीं चला सकते हैं तो वो नगर क्या चलाएंगे। और मैं इस नगर को संभाल के बताऊंगा, 5000 जान को मैं डेली जीवित रहता हूँ,
उन्हें खिलाता हूँ। अब आप लोग सोचिए कि मैं चेयरमैन बनने के बाद आप लोग का कितना सेवा करूंगा, आप लोग को क्या खिलाऊंगा और क्या पिलाऊंगा, आप लोग समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। मेरे जीतने के बाद ये नगर नगर नहीं रहेगा, ये चमकता हुआ नजर आएगा, चमकते रहता मारो मोहरिया तान के निशान पे। कौनो गलत तो नहीं कही, कुछ नहीं है ताजी, अभी सही चली थे ना, सही चला था नेता जी। कुछ है चेयरमैन और बहुत लूटे धरे 10 साल में होकर बोल दी। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो हमारे मौजूद पिछले 10 साल से चेयरमैन है जिनका नाम बब्बू है, उसने क्या विकास करा के दिखाया है आप लोग बताएंगे? कोई विकास नहीं किया है, खाली आप लोग को हाउस टैक्स लगा के छोड़ दिया है और जल खराब है। और जल भी नहीं शुद्ध आप लोग पा रहे हैं, किसी का तबीयत खराब हो रहा है, किसी को बुखार चढ़ रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है, यहाँ तक के यहाँ नगर में मच्छर को हटाने वाली व्यवस्था नहीं की गई है। और ये नायडा जो अपने आप को नायडा सूट लेके आया है, वो मच्छरदानी की तरह है, उसको एक माचिस मार दोगे तो पिघल के खाक हो जाएगा। जब एक नायडा सूट मच्छरदानी है, अब मच्छरदानी जब मच्छर को नहीं रोक पाया तो इस नगर को क्या रोक पाएगा, क्या संभाल पाएगा? आप लोग समझ सकते हैं, समझदार है। और इस बार आने वाले 10 तारीख को आपको कटहर वाले चुनाव निशान पर मोहर लगा के इस कुट्टे भैया को भारी मतों से विजयी बनाना है। कुट्टे नेताजी, कुट्टे कहे, कुट्टे कहे, कुट्टे नहीं भैया, सॉरी, ये हमारे अम्मा बप्पा के दिन है कि जो ऐसा नाम दे दी, नहीं थोर बहुत जबनिया फिसलाए जाता है, उसके लिए माफी चाहिए था। लेकिन आप लोग नाराज ना हो कोनो बात पे, लेकिन हमें आपकी पता है कि चुनौतिया मैया 1500 वोट से जीती था, 2000। हाँ, अरे 1500 बताए दिन तो का भाई रे, कम से कम जीती तो है रे। हाँ। बाद में पता चली ना यार, मारे तो भैया हम 1500 वोट से जीती थे, अपान वोट आप लोग खराब ना करियो। हमारे पास खड़े हैं हमारे समर्थन में ये बंबई साची नाका के शेख है, जो अभी छेदी बाबा, इनका नाम है छेदी बाबा, अभी अभी हमसे गठबंधन किए हैं, हमारे समर्थन में खड़े हैं। और आप लोग इनके वजह से आप लोग को कटहर वाले चुनाव निशान पे मोहर लगाना है और भारी मतों से विजयी बनाना। कुट्टे नेता, कुट्टे नेता, अरे भैया तो अभी कहा गया नायडा सूट, नायडा सूट तो खाली ईदी में दिखा था, एक से एक नवा नवा ब्रांड बनावत है और कंपनी के नाम बतावत है और झूठे लोग इनका गुमराह करते है। अब वैसे अब की नगर में यहाँ हल गया है नायडा सूट लेके, आप लोग का खाली गुमराह करेगा। मैं इसी बातों से अलविदा लेता हूँ और मैं हमारा कई जगह मंच लगा है, वहाँ भी जाना है लास्ट दिन, और आज लास्ट दिन है, लास्ट परमिशन है, आज हमको 12 बजे तक दौड़ना है पूरे नगर में। जय हिंद, जय भारत।